रिज़ाइन कर दिया जाता तो इसका मतलब रिज़ाइन होता है, और लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि जब मेरा जो रिजिग्नेशन है वो पार्टी उनको अगर स्वीकार करती है तो बाद में मैं मीडिया के सामने आऊँगा। सार्वजनिक रूप से जो कांग्रेस में फुटोवेल है जो इसकी वजह से कांग्रेस आ रही है उसका मैं खुलासा करूँगा। हाईकमान जिनको चार बड़े नेताओं को भेजता है तो मुझे लगता है उनको उनके द्वारा फैसला ना लिया जा रहा, कहीं ना कहीं हुंटा का दबाव उनको काम कर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक ओर सरकार बना ली है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आज भी अंतर्कलह से जूझ रही है। इसी प्रकरण में कांग्रेस के बड़े नेता, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जो ओबीसी सेल के चेयरमैन है और 5 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की जो मुख्य सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बार रेवाड़ी से उनके बेटे चरणजीव यादव जो थे उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो कैप्टन अजय यादव है इन्होंने अपने बेटे की और कांग्रेस की हार का जो कारण है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति उसको बताया, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस विषय पर। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, कैप्टन अजय यादव ओबीसी सेल के चेयरमैन, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बेटे ने इस बार रेवाड़ी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद उनके बयान आते हैं कैप्टन अजय यादव की, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है वो इन सब हार के पीछे के कारण रहे हैं, और उसके बाद उनका इस्तीफा आ जाता है, इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, कैप्टन अजय यादव ने एक ऐसे समय पर कांग्रेस से रिजाइन करने का निर्णय लिया है जब उनके बेटे जो रेवाड़ी से चुनाव लड़ा उन्होंने और वो इस चुनाव में हार गए हैं, और उस हार के कारणों का ठीकरा कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर फोड़ने की कोशिश है उनकी अभी तक। हालांकि उन्होंने कुछ सार्वजनिक रूप से कहा नहीं है, केवल रिजाइन किया है। और कैप्टन अजय एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, 5 बार के आपने जैसे बताया 5 बार के विधायक रहे वो, और हरियाणा सरकार में बड़े इंपोर्टेंट बड़े महत्वपूर्ण जो विभागों में मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर की बात करें चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की बात करें चाहे पावर मिनिस्टर भी वो हरियाणा में रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पदों पर वो रहे हैं, और उनका एक लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी में, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहे हो, कांग्रेस पार्टी की राजनीति का लंबा अनुभव रहा। और इससे अनुभवी आदमी का ऐसे मौके पर जब उनका बेटा भी चुनाव हार गया और पूरी कांग्रेस जो सरकार नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में फिर तीसरी बार फिर से सरकार बनी है, और सरकार के बनते ही उन्होंने अपने जो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करने का जो निर्णय लिया है, ये पार्टी के लिए बहुत ही एक जी जो धक्का लगा पार्टी को वो समझने वाली बात है। तो हालांकि उन्होंने जब 2 दिन पहले जो रिजाइन किया था अपना रेजिग्नेशन, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है जी। लेकिन कल उनका एक एक्स पर अपना उन्होंने पोस्ट डाला है, उसमें अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस की हार के कारणों का खुलासा तब करूंगा जब मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार हो जाएगा। उसमें अपनी पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा एक कंडीशनल वो बताया है जी कि जब भी मेरा रिजाइन, अगर मेरा रिजाइन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो मैं सारे खुलासे कर सकता हूँ। हालांकि जो पार्टियों से जो लोग प्राथमिक सदस्यता से जो रिजाइन करते हैं उनको स्वीकार की और अस्वीकार ये कोई बात नहीं होती, जब रिजाइन कर दिया जाता तो इसका मतलब रिजाइन होता है, और लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि जब मेरा जो रेजिग्नेशन है वो जो पार्टी उनको अगर स्वीकार करती है तो बाद में मैं मीडिया के सामने आऊँगा। सार्वजनिक रूप से जो कांग्रेस में फुटोवेल है जो जिसकी वजह से कांग्रेस आ रही है उसका मैं खुलासा करूँगा। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई निर्णय वो रेजिग्नेशन का लेंगे, क्योंकि एक कंडीशनल जो एक संकेत उन्होंने दिया है कि अभी जो पार्टी के पाले में उन्होंने गेंद डाली है, तो इस तरह में मुझे लगता है पार्टी की इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेगी। हालांकि उसके बेटे ने उनके जो
चिरंजीव राव हैं, उन्होंने चुनाव जो लड़ा था उन्होंने अपने पिताजी के रेजिग्नेशन पे ये कह दिया था 2 दिन पहले कि ये उनका अपना फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंने काफी पिताजी को मनाने की ट्राई भी किया, कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रेजिग्नेशन देने का फैसला लिया। ये उनका फैसला है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना। हालांकि वो अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं, अभी भी कांग्रेस में रिजाइन केवल इनके पिता कैप्टन अजय यादव ने दिया है। और ये अब उन्होंने जो पार्टी हाईकमान के पाले में जो गेंद डाली है कैप्टन अजय यादव ने, तो वो देखने वाली बात है कि कैसे पार्टी का क्या निर्णय होगा। मैंने साहब जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंडीशनल जो है एक तरह से वो जो रेजिग्नेशन दिया है वो कंडीशनल है, और कहीं ना कहीं जो गेंद है वो पार्टी के हाईकमान के जो है पाले में फेंक दिया, तो क्या आपको लगता है कि हाईकमान जो है वो उनको मना सकता है? क्योंकि ये कहां वो कहते हैं कि मैं खुलासे करूंगा या इस तरह की कोई बात उन्होंने की है, तो क्या पार्टी जो है उनको मनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हो सकती है कैप्टन अजय यादव की। यहाँ पे जो स्टेट के उनके लीडर हैं, नेता हैं, जो संगठन है स्टेट का कांग्रेस पार्टी का, उन पे दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की ये मुझे लगता है कि ऐसा एक प्रेशर टैक्टिक्स उनकी हो सकती है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन साहब खड़गे जी जब उनका रिजाइन कर लेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनका रेजिग्नेशन स्वीकार करेंगे। रेजिग्नेशन स्वीकार करना एक तरफ तरह से मानेंगे कि पार्टी उनको निकाल रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पार्टी पार्टी संगठन पे अगर किसी उन्होंने आरोप लगाए हों, फिर पार्टी से रिजाइन किया हो, तब तो हो सकता था कहीं कहीं अनुशासन का मामला बताकर उनको पार्टी का रेजिग्नेशन मांग भी सकती है और रिजाइन भी स्वीकार कर सकती है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई किसी तरह का कैप्टन अजय यादव ने पार्टी नेताओं के बारे में कोई खुलासा नहीं किया, और अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कदम वो उठाएंगे। जी, तो आपके हिसाब से पार्टी जो है वो उनको जो उनका रेजिग्नेशन है उसको स्वीकार नहीं करेगी, और हो सकता है कि उनको मनाकर उनके जो डिमांड है जिस भी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया उस चीज को हल करने की भी कोशिश कर सकती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा समय है अब, अगर यहाँ इस दौर में जो कांग्रेस पार्टी अभी हारी है चुनाव में, अगर लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया तो एक लाइन लग जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पार्टी हाईकमान इनको कहीं कहीं मैनेज करेगी, संभालेगी इनको, इसको, इस मामले को, और ताकि आगे लोग और लोग रिजाइन करने की लाइन में ना आए। तो इस तरह से अगर रिजाइन करने के लोग में आ जाते हैं, तो क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 5 साल को देखते हुए मुझे लगता है इस तरह से लंबी फेरिस्त मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो बगावत करने वालों की फिर से हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई ऐसा वो ले पाएंगे। मेरा सब जो जी उनका दर्द है कैप्टन अजय यादव का, वो कांग्रेस पार्टी के संगठन के, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उदयभान जी, उनके उनके प्रति जो उनका जो रोष है वो कहीं कहीं उनके उनका दर्द दिल में जो दर्द है वो बयां करना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक कंडीशन भी लगा दी है, पार्टी नेता अगर करते हैं तो रिजाइग्नेशन मंजूर करते हैं तो, पर मुझे नहीं लगता कि पार्टी नेता भी कहीं कहीं मनाएंगे उनको। तो काफी सारी बातें हैं ये उनके मन में, लेकिन वो कहेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मेरा सब पिछले कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग हुई, तो उसमें 4 पर्यवेक्षक थे, तो उन्होंने 1-to-1 जितने भी जो जीते हुए विधायक हैं उन सबसे बात की, तो उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, क्या किस लिए मीटिंग थी वो जो विधायक दल की मीटिंग रही है, क्या नेता प्रतिपक्ष जो है चुनने के लिए कवायद थी या किसी और कारण से? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की जो मीटिंग हुई है, नेता प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की जो बात थी, और कांग्रेस पार्टी ने जो बड़े नेता अपने जो पर्यवेक्षक के रूप में भेजे, और कहा जा सकता है कि अपने आप में भी एक हाईकमान है वो, टी एस सिंह देव आए थे, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन जी, तो ये सारे लोग कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए, और इन्होंने 1-to-1 जो विधायक 37 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बने हैं उनसे 1-to-1 बात भी की। और इसमें भी कहीं कहीं एक 2 गुट उभर कर आए हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो खुद रहे, क्योंकि पिछले 5 साल से वो नेता प्रतिपक्ष, वो चाहते हैं प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष को के साथ साथ उनका एक इच्छा ये भी है कि कहीं ना कहीं पार्टी पे होल्ड रहेगा, उनका पार्टी में कमांड रहेगी, काबिज रहे उसमें पूरी तरह, पूरी तरह से अपना मतलब होल्ड बना के, विधायकों को फिर होल्ड बना के रखे, और इसके साथ साथ और बहुत सुविधाएं होती हैं जी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा होता है, सभी तरह की जो एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से, वो भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन को सारी की सारी सुविधाएं वो मिलती हैं, कोठी बंगला और पीए और जो गाड़ी, मतलब इस तरह की सारी सुविधाएं मिलती हैं उनको भी। देखो ये भी कहीं ना कहीं पार्टी लीडर का एक वो होता है, लालच होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो हमने बात की, आपने बात की पार्टी में अपना होल्ड बनाए रखने के लिए, पिछले लगभग 20 साल से उनका 2005 से उनका पार्टी में पूरा होल्ड है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद अपोजिशन में भी वो रहे हैं जी जी, उन्होंने पार्टी को कंडक्ट किया है। और जहां तक अब इन चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव की बात है, तो सारी की सारी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 78-80 सीटें पे जो टिकट का वितरण था उनकी सहमति से हुआ, उनके समर्थकों को टिकट, उनके समर्थकों को टिकट दी गई है जी बिल्कुल। तो इसलिए इस उसमें को देखते हुए, संदर्भ को देखते हुए कहीं ना कहीं उनका ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वही रहे। अगर कैप्टन क्या नाम पार्टी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाती है तो फिर कहीं ना कहीं दूसरे का नाम उनका, अपने जो समर्थक है उनके विधायकों का नाम वो ले सकते हैं। और दूसरी ओर एक दो जो शैलजा, कुमारी शैलजा की तरफ से उनके 4-5 विधायक जो विधायक दल में हैं अभी, उन्होंने भी एक नाम आगे किया चंद्रमोहन बिश्नोई का, चंद्रमोहन बिश्नोई जो भजनलाल जी के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बड़े पुत्र हैं जी जी, और उनका नाम कहीं कहीं आगे किया जी। और जो प्रोसेस जो अडॉप्ट किया गया, जो प्रक्रिया जो उसमें जो मीटिंग में विधायक दल की मीटिंग में अडॉप्ट की गई, वो एक प्रस्ताव रखा गया, एक लाइन का प्रस्ताव रखा गया, और वो प्रस्ताव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा रखा गया जी, कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाता है कि जो नेता प्रतिपक्ष का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेंगे, कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, ये प्रस्ताव लिखकर, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कह दिया कि ये सभी विधायकों की राय है। और ऐसा उन जो चार जो हम बात कर रहे हैं, जो पर्यवेक्षक टीएस सिंह देव, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन आए हैं, उनको दे दिया गया। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक भी उस समय एक दबाव बनाने के उसमें जी मूड में थे कि एक लाइन का प्रस्ताव दे दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो जब 1-to-1 विधायकों से बात हुई है जो पर्यवेक्षकों की, उनके मन में ये भी रहा होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चारों जो पर्यवेक्षक थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी और को बनाने का मन बना चुके हों। पर ऐसा तो वो तो बाद में पता चलेगा क्या क्या रहा होगा। पर जब चार इस तरह के जो बड़े हाईकमान लीडर जिनको हाईकमान जिनको चार बड़े नेताओं को भेजता है, तो मुझे लगता है उनके द्वारा फैसला ना लिया जाना कहीं ना कहीं हुड्डा का दबाव उन पर काम कर गया। और इन सबसे तो एक चीज समझ आती है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री नहीं बने तो नेता प्रतिपक्ष, या वो खुद बने या कोई उनका समर्थक बने, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से हरियाणा की जो राजनीति है या हरियाणा की जो कांग्रेस है उस पर काबिज रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं 100% चाहते हैं, 100% ये उनका यही चाहना है कि या तो खुद बनेंगे नेता प्रतिपक्ष या किसी उनका जो समर्थक जो नजदीकी रहेगा, और मुझे लगता है उनके समर्थक विधायकों में अगर उन्होंने किसी का नाम आगे बढ़ाया तो गीता बुक्कल का नाम। मैं पूछने वाला था कि अगर उनके नजदीकी जो समर्थक रहेंगे तो उनमें से कौन हो सकता है। गीता बुक्कल का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो कई बार की वो विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं और एक तेज तरार महिला नेत्री हैं जी, और महिला के साथ साथ दलित वर्ग से जो आती है, और इस तरह से अगर कहीं ना कहीं वो अपना जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ये मान के चलो कि कांग्रेस के संगठन में भी भारी बदलाव होगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी निश्चित रूप से बदला जाएगा। और कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए आज जो प्रेसिडेंट हैं वो भी दलित वर्ग से हैं, उदयवान के अलावा जनरल कैटेगरी से कांग्रेस जो किसी दूसरे को कांग्रेस प्रेसिडेंट बना सकती है जी। अगर कुमारी शैलजा के गुट से अगर कोई किसी को बना किसी का
मौका मिलता नाम है, सामने आता है नाम सामने आता है तो चंद्रमोहन को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अगर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने में महत्वपूर्ण हुई भूमिका हुई तो कहेंगे वो अशोक अरोड़ा का भी नाम आगे कर सकते हैं, उदयभान या अशोक अरोड़ा हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी हाईकमान के पाले में जो गेंद फेंकी है उससे कहीं ऐसा लगता है कि वो जो 2-3 दिन का टाइम उनको मिलेगा उसमें कहीं कहीं दिल्ली में पार्टी हाईकमान पर भी दबाव बनाने का जो एक कम्युनिकेशन उनसे करने का पार्टी हाईकमान के नेताओं समय मिल सकता है, समय मिल सकता है और वो इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों जहां एक और हरियाणा में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता बड़े नेता ओबीसी सेल के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव अपना इस्तीफा हाईकमान को सौंपते हैं और कंडीशनल इस्तीफा सौंपते हैं, वही दूसरी ओर अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पूरी तरह से जोड़ तोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस हाईकमान इन दोनों प्रकरणों पर क्या फैसला लेती है ये तो कांग्रेस हाईकमान ही फाइनल कर सकती है, लेकिन अब इन सब चीजों की अपडेट जानने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरे साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।